Hi एंड वेलकम टू दी हाई प्री स्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो लेट एस सी लेट एस स्टार्ट माय लीबराज कि आपके लिए क्या आने वाला है इस पंद्रह दिनों में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप वहाँ से जाके देख सकते हो एंड ये एक जनरल रीडिंग है सो जितना रेजिनेट करे उतना ही लेना है Let us see what is coming. Ace of Wands. Wow. New beginnings, fresh starts, reconciliation. Good. We have the Six of Swords reversed. Yeah, Six of Cups. See, reconciliation. I told you. Ten of Pentacles. Wow. interesting here death फूल libras मैं पहले शुरू करूँगी आपके लव लाइफ से ठीक है बिकॉज वहाँ पे मुझे मैक्सिमम चेंजेस और सिचुएशंस दिख रहा है बट जो लोग करियर के लिए हो डोंट गेट अपसेट बिकॉज करियर में मैं आऊँगी ज़रूर आऊँगी थोड़ा सा बाद में लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ बिकॉज अलॉर ऑफ मैसेजेस आते हैं फर्स्टली डरा फॉर सम लिब्राज आप किसी से किसी से डील कर रहे थे जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही फायरी था जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही लाइक इन एंड आउट था या ये एक फ़िज़िकल कनेक्शन था इसमें कमिटमेंट नहीं था इसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी इसमें आपको समझ नहीं आता था ये क्या चाहते हैं इनको समझ नहीं आता था आप क्या चाहते हो एक एक बैक एंड फोर्थ एक लाइक सेम पेज पर नहीं थे आप लोग फॉर सम ऑफ यू आप उस कनेक्शन को लेट गो करके यू आर मूविंग इन टू द डिरेक्शन ऑफ समबडी न्यू एंड ये जो न्यू पर्सन है दिस इज अ सोलमेट ये जो न्यू पर्सन है दिस इज अ पर्सन जिसके साथ आप बहुत चांसेस है कि आप बाकी का जिंदगी बिताने वाले हो ठीक है ये पर्सन एक स्कॉर्पियो हो सकते है केपरकॉर्न हो सकते हैं एरीज या टोरस हो सकते हैं या वर्गो भी बट जरूरी नहीं है ठीक है तो ये है कुछ लोगों के लिए दूसरा जो मुझे दिख रहा है कि फॉर सम ऑफ यू ये सेम पर्सन है जिसके साथ आप रिकनसाइल कर रहे हो जिसके साथ आपका रिश्ता सही हो रहा है पहले से बेहतर हो रहा है पहले अगर सब लाइक like, बहुत नॉन कमिटल एनर्जी था पहले अगर सिर्फ फिजिकल uh, कनेक्शन था पहले अगर कुछ क्लैरिटी नहीं थी सी राइट नाउ इस टाइम पे इस पंद्रह दिनों में आप लोग काइंड ऑफ वो क्लैरिटी लेके आ रहे हैं हो एक दूसरे के साथ आप लोग काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हो टू सेटल डाउन इन अ हेल्दी रिलेशनशिप यू नो ये इन एंड आउट आप बंद कर रहे हो या ये पर्सन बंद कर रहे हैं आपके साथ करना एंड आप लोग एक हेल्दी कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो देर इज अ न्यू बिगिनिंग इन योर लव लाइफ एक न्यू स्टार्ट एक फ्रेश स्टार्ट जो आप किए हो कर रहे हो शायद कुछ लोगों के लिए दिस इज ऑल्सो अ मैरिज जिसमें आप एंटर करने वाले हो आप डर रहे हो कि क्या मैं इस पर्सन को सिलेक्ट करूँ क्या मैं इस रिश्ते को सिलेक्ट करूं मैक्सिमम केसेस में मैं कहूंगी हाँ कर सकते हो बिकॉज वट जिसके लिए भी आप पहले वेट किया करते थे द इन एंड आउट वाला जो रिलेशनशिप था वो गया वो ख़त्म होने वाला है वो ख़त्म हो चुका है शायद सो so, अगर कोई नया रिश्ता है अगर कोई न्यू पर्सन है जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या आ, जो मे बी एक नया रिश्ता है और वॉट लाइक आप उसके लिए जा सकते हो I feel this is like for some यूनिवर्स लाइक यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप ये न्यू बिगेनिंग को होने दो इस न्यू बिगेनिंग को आप करो बिकॉज देर इज सम थिंग्स इन योर लव लाइफ जो एंड होने के तादाद में है जो एंड होने ही वाला है एंड इसमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो चीज़ें एंड होगा जानना वो आपके लिए कभी था ही नहीं या वो पर्सन आपके लिए थी ही नहीं सो वॉट एवर इज़ एंडिंग इन योर लव लाइफ वो आपका ब्लेसिंग कभी नहीं था ठीक है सो so, उसके बारे में रिग्रेट करना दुख मनाना कोई लाइक कोई ज़रूरत नहीं है वो करने की सो so, समथिंग अगर आपसे लिया गया है समथिंग बेटर विल बी गिवन टू यू ओके okay. सो so, आपके लव लाइफ में एक मेजर बिग चेंज दिख रहा है न्यू लव भर भर के दिख रहा है मुझे न्यू लव न्यू कनेक्शन न्यू पर्सन नया रिश्ता नया मैरिज प्रपोजल नया यू नो एंगेजमेंट फिक्स होना एंड ऑल दैट स्टफ, सो एवरीथिंग न्यू इन योर लव लाइफ कुछ गिने चुने लोगों के लिए ये एक पुराना कनेक्शन है बहुत सालों का कनेक्शन है या बहुत दिनों का कनेक्शन है एंड इसमें रिकन्सिलिएशन आ रहा है बिकॉज आपके पर्सन भी खुद इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि उन्हें यह बैक एंड फोर्थ एंड करना है एंड एंड कुछ पॉजिटिव कुछ नया शुरू करना है ठीक है सो दैट इज़ समथिंग ब्यूटिफुल नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ करियर की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वहाँ पे भी चेंजेस नज़र आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे मूवमेंट चाह रहे थे लाइक आप शिफ्ट करना चाह रहे थे आपका कंपनी uh, आप चेंज करना चाहते हो आपका लोकेशन आप चेंज करना चाहते हो सी uh, कि आप उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो लाइक ये चेंज ये शिफ्ट में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। ऑल्सो यूनिवर्स इज सेंग यू दैट इस टाइम पे uh, कुछ बहुत बड़ा रिस्क या बहुत बड़ा चेंज में मत जाना लाइक आप चेंज करो बट कुछ बहुत बड़ा मत करने जाना क्योंकि वो रिस्की हो सकता है सो so, अगर आप एक जगह पर बहुत टाइम से हो एंड जस्ट बिकॉज आपको एक दिन लगा कि नहीं कुछ और करके देखते हैं कुछ यू you नो know, रिस्क लेके देखते हैं या कुछ नया करके देखते हैं तो वो इस इस टाइम पे नहीं करो तो बेहतर है अगर मजबूरी है अगर और कोई चारा नहीं है अगर चेंज करना ही है तो अलग बात है बट ऐसे ही एक दिन मन हुआ तो चेंज कर नहीं वो नहीं करना है ठीक है द नेक्स्ट थिंग आई सी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल अबांडेंस जो आपको मिलने वाले वाला है या मे uh, बी आप बहुत टाइम से सेव भी कर रहे हो या आपके इनकम में थोड़ा सा इंक्रीज़ मुझे होते हुए दिख रहा है बट यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही ये इंक्रीज आपके इनकम में आएगा उतना जल्दी ही ये खर्चा भी आ सकता है सो so इनकम मतलब जो भी इनकम आपका बढ़े या जो भी सेविंग्स आप कर रहे हो बहुत ध्यान से करना है कि ऐसा नहीं कि आज बहुत मुश्किल का मुश्किल उठा के सेव कर रहा कर रहे हो आप एंड कुछ टाइम बाद सडनली आपको कोई ऐसे यू you नो know, मन हुआ या सडनली कोई ऐसा यू नो भ्रम हुआ कि आप जाके सब खर्चा कर दिए वो नहीं होना चाहिए अगर आप सेविंग कर रहे हो अगर आप मेहनत कर रहे हो अगर आप मेहनत से सेव कर रहे हो देन उसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना भी ज़रूरी है कि आप उसको कैसे सेव कर रहे हो आप उसे कहाँ लगाना चाहते हो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो ऑल दैट स्टफ़ एक क्लियर पिक्चर एक क्लियर आइडिया होना भी जरूरी है ओके, सो दैट समथिंग जो आप बिल्कुल ट्राई आउट कर सकते हो। यूनिवर्स uh, इज कि सब कुछ सही है बट एक चीज का खास करके ध्यान रखना है करियर में कि कोई सडन लॉस आ सकता है बट डरो मत डरो मत बिकॉज सडन लॉस मतलब ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आया लॉस हो गया नहीं Uh, कुछ गलत डिसीशन या हरबरी में लिया हुआ डिसीशन के वजह से ये लॉस आ सकता है कोई रिस्क जो आप ले रहे हो जिसके वजह से ये लॉस आ सकता है सो so, ऑल्सो किसी को आप अंधाधुंध ट्रस्ट कर रहे हो जिसके लिए ये लॉस आ सकता है सो so, इस कुछ पंद्रह दिनों में थोड़ा सा इफ़ेक्टिव वे में काम करना है आपको ज़्यादा इसके उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो तो बेहतर है रिस्क ना लो तो बेहतर है जितना कंट्रोल अपने हाथों में रख सकते हो उतना ही रखो जितना खुद कर सकते हो उतना करो अदरवाइज uh, ऐसे कोई डरने वाली कोई बात है नहीं ऑल्सो यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि पास्ट में अगर कुछ लॉसेज हुए थे um, वो रिकवर बहुत जल्दी हो जाएंगे सो so, पास्ट में अगर आप घबरा रहे हो कि मेरा ये खर्चा हुआ था मेरा ये लॉस हुआ था या मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो गया था वट यूनिवर्स इज सेइंग उसको रिकवर करने के लिए आपके पास दोबारा मौका आएगा उसको रिकवर करने के लिए आपको दोबारा एक चांस मिलेगा सो so, आप उस चांस का बेशक फ़ायदा ले सकते हो एंड यू नो उस लॉस को रिकवर कर सकते हो आप आगे बढ़ सकते हो सो so, कुछ लोगों को रिग्रेट है किसी पास डिसीजन पे कि मैंने वो क्या था ये क्या था इस वजह से मेरा ये लाइक लॉस हुआ या मैं फेल हो गया या आम, सेव नहीं कर पाया वॉटर सो यूनिवर्स इस कि उसके पीछे लाइक like, पीछे देख के रिग्रेट मत करो बिकॉज सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं वो बेहतर है और वही अपॉर्चुनिटीज़ आपको वो पास्ट फेलियर से उस फेलियर को लाइक like, सक्सेस में बदलने में मेहनत कर अगर आप मेहनत करोगे तो वो फेलियर को सक्सेस में बदल सकता है सो so, उन सामने वाले अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखो पीछे नहीं एंड दैट इज़ वॉट आई सी ऑल्सो आई सी कि आप बहुत ज़्यादा यूजअली इन दिस फिफ्टीन डेज आपका जो मेन खर्चा आप कर रहे हो दैट इज़ ऑन द फैमिली और योर हाउस रिकन्स्ट्रक्शन रीडिज़ाइनिंग नया घर लेना या ई एम आईज पे करना और वॉट एवर इट इज डेकोरेशन भी हो सकता है समथिंग लाइक दैट सो यूनिवर्स इज सेम कि खर्चों पर थोड़ा सा फोकस रखना लाइक खर्चा करो उसमें प्रॉब्लम नहीं बट ऐसा नहीं है कि आप अननेसरीली कर रहे हो या आप खर्चा इतना कर रहे हो कि आप लॉस में जा रहे हो सो so, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है वो चीज़ अदरवाइज़ आई सी ऑल गुड लिब्राज एंड दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू टूडे एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा रेजनेट किया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर गॉड ब्लेस यू एंड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना मैं um, आपसे जरूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में गुड बाय एंड सी यू